जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 5 का नाम है कर्म संन्यास योग या कर्म योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं के बारे में है, जिसमें वे कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच का अंतर बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि क्या कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है, यानी कर्तव्य के अनुसार कर्म करना, क्योंकि इससे सन्यासी की तुलना में अधिक तेजी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सच्चे सन्यास का अर्थ है कि मनुष्य किसी कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि सभी कर्म फल की इच्छा का त्याग करता है। जो व्यक्ति भगवान में लीन होकर अपने सभी कार्य करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना या संन्यास लेना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी फल की चिंता किए निस्वार्थ रूप से कर्म करना आवश्यक है। योग और कर्म के बीच संघर्ष करने की बजाय अपने कार्यों को ज्ञान और निस्वार्थता के साथ करना ही श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को द्वेष और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है, तो वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्वों से परे होता है, बंधन रहित होकर आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात कर्म करते हुए भी यदि मनुष्य द्वेष और इच्छा से मुक्त कर लिया जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में बंधनों से मुक्त हो सकता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान और कर्म को अलग अलग देखने के बजाय हमें समझना चाहिए कि दोनों ही मुक्ति के ज्ञान का साधन है। जो स्थान ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समान रूप से समझता है, वही वास्तव में सही दृष्टिकोण रखता है। अर्थात हम चाहे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें या फिर निस्वार्थ रूप से कर्म करें, दोनों ही रास्ते हमें जीवन के अंतिम सत्य और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। अतः हमें अपने जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का सही संतुलन बना के रखना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन कार्यों को त्यागने का सोचते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, तो हो सकता है हमें दुख और असफलता मिले, लेकिन यदि हम अनुशासन और योग के साथ अपने कर्मों को करते हैं, तो जल्दी ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। अर्थात एक सच्चा योगी जो मन, इंद्रियों और आत्मा पर नियंत्रण पा चुका होता है, वह सब प्राणियों को एक समान देखता है और कर्म करने पर भी उसे कर्म नहीं बांधते। जिसने स्वयं की सच्ची पहचान प्राप्त कर ली है और जो योग से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण संसार और कर्मों के प्रति कैसा होता है। अर्थात जब व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, शरीर और इंद्रियां कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं या आत्मा इन कर्मों से अलग है, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, स्पर्श कर रहा हो या सूंघ रहा हो या सांस ले रहा हो, वह इन सभी को इंद्रियों का काम मान लेता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, जीवन में कार्य तो करना ही होगा, लेकिन उसे कैसे करना है यह महत्वपूर्ण है। अगर हमारे कार्य को इस भावना से करें कि यह भगवान की सेवा है और इसके फल की चिंता न करें, तो हमारे ऊपर कोई पाप या गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करता है, तो वह पाप से अछूता रहता है। अर्थात अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाओ, लेकिन उनके फल से खुद को मत जोड़ो। ऐसा करने से हम दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठकर जी सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता, बल्कि हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां भी कर्म में शामिल होते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारा मन उस काम में होना चाहिए, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए और इंद्रियों का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि कर्म करते हुए इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। हर कर्म को साधना की तरह किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम पढ़ाई या कोई दूसरा काम करते हैं, तो हमें यह सोच कर मेहनत करनी चाहिए कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। अगर हम फल की चिंता किए बिना सही दिशा में काम करेंगे, तो सफलता खुद ब खुद मिलेगी। अर्थात जब परिणाम व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है,
तो उसे सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो न तो किसी का करता है बनता है और न ही कर्म कराता है और न ही कर्म फल से जोड़ता है। यह सब तो प्रकृति के गुण के अनुसार होता है, अर्थात परमात्मा शरीर के कार्यों के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। हर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर कर्म करता है। कर्म और उनके फल का संबंध भी प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में भी कर्म और परिणाम होते हैं। वह सब व्यक्ति की प्रकृति और कर्मों का ही परिणाम है, न कि परमात्मा की कोई विशेष योजना। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता, अर्थात ईश्वर न तो किसी के पाप का कारण है और न ही किसी के पुण्य का, बल्कि यह अज्ञानता जो ज्ञान को ढक देती है और इसी कारण से जीव परिमित होते हैं, अर्थात हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। जब हमारे मन में अज्ञानता का पर्दा होता है, तब हम सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और संसार के भरमों में उलझ जाते हैं। परमात्मा हम पर कोई पाप या पुण्य नहीं थोपते, बल्कि हमारी अज्ञानता जो हमें भ्रमित करती है और गलत रास्ते पर ले जाती है, अर्थात हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर आकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हमारा मन ज्ञान से प्रकाशित होता है, तो हम सही और गलत को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समझ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग परमात्मा में स्थिर हैं और जो परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे ज्ञान के द्वारा अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते। ऐसे लोग पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। जो विद्या और विनय में संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चौंडाल यानी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति में समान दृष्टि रखते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विद्या ज्ञान और विनय से संपन्न में हर प्राणी में एक समान दृष्टि रखते हैं, अर्थात सच्चे ज्ञान की पहचान किसी के बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उस ज्ञान से होती है जो हर जीव में एक ही आत्मा का बोध कराता है। सच्चे सुख की खोज बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा में करनी चाहिए। जब हम बाहरी चीज़ों के प्रति इच्छा को छोड़ देते और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसके वास्तविक सुख का अनुभव करते, तब हम वास्तविक आनंद की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय अपनी आंतरिक शांति और आनंद को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ इस शरीर को त्याग से पहले काम और क्रोध के उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, वही योगी है और वही सुखी है। आत्म नियंत्रण और मन की शांति के लिए काम और क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को अनुभव करता है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, वह सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने भीतर होता है और वह बाहरी संसार की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। जब व्यक्ति पाप मोह द्वेष से मुक्त होकर सभी प्राणियों के हित में कार्य करता और मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों मन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है, वह मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का डर नहीं रहता और न ही उसे कोई इच्छा बांधती है, क्योंकि उसने आत्मा के सत्य को जान लिया है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञों और तपों के भोक्ता है, सभी लोगों के स्वामी है और सभी जीवों के सच्चे मित्र है, इस सत्य को जानकर और भगवान में अपने मन को स्थिर करके व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।